अभी कहीं पर था, मैं कर्ण की बात कर रहा था। मैंने कहा बंदा ऐसा चाहिए दमदार। देखो कितना गलत हुआ है उसके साथ, तुम बोलते हो तुम्हारे साथ अन्याय हो गया, उसकी पूरी जिंदगी, उसका क्या दोष था? अगर बिन ब्याही मां ने जना उसको तो उसमें बच्चे का दोष है। पहले तो मां ने ब्याह नहीं करा, सूर्यदेव को बुला लिया, कर्ण पैदा हो गए, और फिर मां को लोकलाज की इतनी फिक्र कि उसको बहा दिया पानी में, और फिर वो जो घोड़ा चलाने वाला एक व्यक्ति है उसके द्वारा पाला पोसा गया, सूत पुत्र सब उसको बोल रहे हैं बार बार, और प्रतिभा का धनी, संकल्प का धनी, वो कह रहा है मुझे जानना है, मुझे सीखना है, वो सारी शिक्षाएं ले रहा है, वो सिर्फ युद्ध कला या धनुर्विद्या में ही नहीं माहिर था, वो सब शास्त्रों में भी पारंगत था, हल्का आदमी नहीं था, और दुनिया उसको सम्मान नहीं दे रही है। अन्याय हो रहा था ना उसके साथ, हो रहा था नहीं हो रहा था? हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। उसके बाद जाता है, सब पांडव अपनी शिक्षा पूरी करके आए हैं, एक तरह का उनका दीक्षांत समारोह हो रहा है, वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्या सीखा सबने अपना अपना। वहां पर जाता है तो कहते हैं राजपुत्रों के लिए है ये सभा, तुम कहां से आ गए, अनाड़ी कहीं के, तुम्हारी क्या पृष्ठभूमि है, अपमान है कि नहीं है? हाँ, पर ये अपमान भी इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय भी जो अपमान कर रहे थे उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़े। उपनिषद तो सीधे सीधे बोलते हैं कि चेतना हो तुम, देह नहीं हो, तो अपमान करने वालों ने कर्ण की देह को इतना महत्व तो कैसे दे दिया, कर्ण की जाति को इतना महत्व तो कैसे दे दिया? उपनिषद हम तब भी नहीं पढ़ रहे थे, महाभारत काल में भी नहीं पढ़ रहे थे, ना महाभारत काल में पढ़े, ना मध्य काल में पढ़े, ना आधुनिक काल में पढ़े, हम कभी नहीं पढ़ रहे,